केरल में बाढ़ से हुई तबाही के बाद राहत और बचाव का कार्य तेजी से जारी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं खबर मिली है कि चेगनूर के पास 5 गांवों में अब भी 1000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। बचाने के लिए अभियान जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों में ज्यादा बारिश की आशंका नहीं है। वहीं कोचिंग में उड़ानें शुरू कर दी गई हैं। हालांकि ये उड़ानें नेवी एयरबेस से शुरू हुई हैं। कोचिंग एयरपोर्ट को अब भी 26 अगस्त तक बंद रखा जाएगा। पूरे केरल में राहत और बचाव की टीमें दिनों रात काम कर रही हैं। लोगों तक दवाइयां, खाने पीने की चीजें पहुंचाने में जुटी हुई हैं और देश विदेश से भी लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके वहाँ पे जो नेवी के लोग हैं वो लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। केरल अभी सदी के सबसे बड़ी तबाही से जूझ रहा है। पिछले 100 सालों से केरल ने ऐसी तबाही नहीं देखी थी जिसकी मार अभी वो झेल रहा है। बाढ़ से तबाह केरल और वहाँ के लोगों के लिए चारों ओर से मदद के हाथ उठ रहे हैं। राज्यों से लेकर के लोग व्यक्तिगत तौर पर केरल को बाढ़ के कहर से उबारने के लिए मदद कर रहे हैं और अपनी ओर से दान दे रहे हैं ताकि वहाँ के लोगों की जिंदगी को सुरक्षित किया जा सके। प्राण भय निरापद आश्रय पालाच्छे मानुष। गौरतलब है कि केरल में अभी तक 350 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 6 लाख से ज्यादा लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। 14 से 11 जिलों में रेड अलर्ट था मगर अब हटा लिया गया है और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि मौसम विभाग ने अभी भी बारिश होने की आशंका जताई है जिससे आने वाले वक्त में हालत और भी बिगड़ सकते हैं।
मैडम। इडुक्की और एर्नाकुलम राज्य के बाकी हिस्सों से पूरी तरह कट गए हैं। बदतर होते हालात के बीच सैकड़ों रेस्क्यू टीमें पूरी जी जान से लगी हुई हैं। सेना, नेवी, एयरफोर्स, एनडीटीआर, आईटीबीपी सभी राहत और बचाव के काम में पूरी तरह मुस्तैद हैं। राज्य में बारिश और बाढ़ के चलते अब तक करीब 20,000 करोड़ का नुकसान होने की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं। हालांकि बारिश के अभी भी असर है।